वर्ग दशम के लिए संस्कृत कक्षा में मैं बच्चन कुमार झा प्रथमा पाठा में इससे पूर्व के कक्षा में मैंने तीन श्लोक का सरलार्थ बताया था और चौथा रिवीजन में कर रहा हूँ। कंचित कालम नय माम अस्मात नगरात बहु दूरम प्रपस्यामी ग्रामांतरे निर्झर नदी पयह पूरम एकांते कंतारे छन्मपि स्यात संचरणम सुचि पर्यावरणम। कंचित कालम नय, कंचित मैंने कुछ, कालम मैंने समय, नय मैंने ले चलो, एकांते एकांत निर्जन, कंतारे जंगल में, क्षण वपी क्षण भर के लिए, बहुत दूरम बहुत दूर, मे मैंने मेरा, प्रपस्यामी देखूं, स्यात मैंने हो, निर्झर नदी झरना और नदी, संचरणम भ्रमण, पयापूरम जल से भरा हुआ। कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से दूर ले चलो, कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से दूर ले चलो, गांव की सीमा पर झरने नदी और जलाशय को देखना चाहता हूं, गांव की सीमा पर झरने नदी और जलाशय को देखना चाहता हूं, एकांत वन में क्षण भर के लिए भी मेरा भ्रमण हो जाए, एकांत वन में क्षण भर के लिए भी मेरा भ्रमण हो जाए। यानी फिर से, कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से दूर ले चलो, जहां गांव की सीमा पर जल से भरी हुई नदी और झरनों को देखूं, निर्जन जंगल में मेरा क्षण भर के लिए भ्रमण हो, इसलिए शुद्ध पर्यावरण ही हमारा शरण है, इसलिए हमें प्रकृति का आश्रय लेना चाहिए, हमें शुद्ध पर्यावरण का आश्रय लेना चाहिए। अब कंचित कमजोर चित संधि विच्छेद है, ग्रामांते ग्राम जोड़ते संधि विच्छेद है, समजोर चरणम संचरणम संधि विच्छेद है, ग्रामस्य अंते ग्रामांते तत्पुरुष समास से है, पयः पूरम तृतीया तत्पुरुष से है, पयसा पूरम एकांतारे कंतारे, एकांताय एकांते कंतारे कर्मधारे समास है, संचरणम सम प्लस चार प्लस ल्युट प्रत्यय ये संचरणम है। पर्याय पद समयम के लिए कालम, जलम के लिए पयह, भ्रमणम के लिए संचरणम, कानने का कंतारे, मम्मने मेरा। अब विपर्यय पद अधिकम का किंचित, ग्रामात का नगरात, अति समीपम बहु दूरम, नगरांते ग्रामांते, दीर्घ समयम क्षणम, ग्रामे नगरे। इस प्रकार इसका श्लोक इस प्रकार हुआ। अगर क्वेश्चन पूछे कभी कस्मात दूरम गच्छति, कभी किससे दूर चाहता है, तो आंसर देंगे नगरात। कीदृशे कंतारे सक्षणमपि संचरणम कर्तुम शक्नोति, एकांते एक पद में, पूर्ण वाक्य में है ग्रामांते सा किम द्रष्टुम इच्छति, गांव के अंत में वह क्या देखना चाहता है, ग्रामांते सह निर्झर नदी पया पूरम द्रष्टुम इच्छति। भाषिक कार्य में से क्वेश्चन आएगा, अति समीपम इति पदस विपर्याय, अति समीपम के लिए इस श्लोक में अपोजिट क्या है, तो बहु दूरम। कांतारे पदस का विशेषण क्या है, एकांते। जलम पद का पर्यायवाची शब्द क्या है, पय। फिर से, कुछ समय के लिए मुझे इस जंगल से, मुझे इस वन से दूर ले चलो, नगर से दूर ले चलो, मैं गांव की सीमा पर झरने नदी और जलाशय को देखना चाहता हूं, एकांत वन में क्षण भर के लिए मेरा भ्रमण हो जाए, इसलिए हमें अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। श्लोक संख्या चार का यह सरलार्थ था।